हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोस हीलिंग टच। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिस्ट कॉम्प्लेक्स बेसिकली दो जॉइंट के आर्टिकुलेशन से बना हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट जॉइंट है रेडियो कार्पल जॉइंट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरी पिछली वाली वीडियो के अंदर बात कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो दूसरा जॉइंट है वो है मिड कार्पल जॉइंट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा जो भी रिस्ट कॉम्प्लेक्स के लिगामेंट्स होते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब अगर हम मिड कार्पल की बात करें तो इसके अंदर ये वाली जो रो होती है ये प्रॉक्सिमल रो कहलाती है, और ये वाली जो रो है ये डिस्टल रो कहलाती है। अब अगर हम मिड कार्पल जॉइंट के बारे में बात करें तो इसके बेसिकली दो आर्टिकुलेशंस होते हैं, जैसे हर जॉइंट के अंदर होता है एक प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन और एक डिस्टल आर्टिकुलेशन। अब इसके अंदर जो स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्वेट्रल है ये प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन कहलाते हैं, और जो हैमेट, कैपिटेट, ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम है ये डिस्टल आर्टिकुलेशन कहलाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो स्केफॉइड है बेसिकली वो किसके साथ जाके आर्टिकुलेट कर रहा है, ट्रेपेजियम के साथ, ट्रेपेजॉइड के साथ और कैपिटेट के साथ। और जो ल्यूनेट है जो कि प्रॉक्सिमल रो के अंदर, कार्पल रो के अंदर, वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, बेसिकली कैपिटेट के साथ में। और जो ट्राइक्वेट्रल है वो बेसिकली कर रहा है हैमेट के साथ में आर्टिकुलेट। और जो मिड कार्पल जॉइंट है वो एक एनाटॉमिकली सेपरेट जॉइंट है, और जो रेडियो कार्पल जॉइंट है वो एक सेपरेट जॉइंट है, यानी कि इनका जो कैप्सूल होगा, जो रेडियो कार्पल का जो कैप्सूल है वो अलग है, और जो मिड कार्पल जॉइंट्स है इनका जो कैप्सूल है वो अलग है। तो ये दोनों की दोनों एनाटॉमिकली एक सेपरेट जॉइंट है, और ये दोनों मिलकर एक रिस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट बनाते हैं। अब मिड कार्पल की एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो प्रॉक्सिमल रो है स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्वेट्रल की, तो ये एक रिजिड रो की तरह काम नहीं करती है, रिजिड यूनिट की तरह काम नहीं करती है। यानी कि अगर मैं रिस्ट फ्लेक्जन या एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करूँगी, तो अगर मैं रिस्ट फ्लेक्जन मूवमेंट परफॉर्म कर रही हूँ तो ये पूरी की पूरी जो स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल की जो प्रॉक्सिमल रो है वो साथ में वर्क नहीं करेगी, यानी कि साथ में रिस्ट को फ्लेक्स नहीं करेगी। ऐसा होगा कि पहले स्केफॉइड वर्क कर रहा है, फिर ल्यूनेट वर्क कर रही है, यानी कि पहले इस बोन ने वर्क करना स्टार्ट किया, फिर ये वाली बोन जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगी। यानी कि अगर मैं मूवमेंट परफॉर्म कर रही हूँ तो ये पूरी की पूरी रो जो रो है वो साथ में मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो के अंदर। और जो डिस्टल रो है जो कि हैमेट, कैपिटेट, ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम से बनी है, ये एक रिजिड रो की तरह काम करती है, एक फिक्स्ड यूनिट की तरह काम करती है। यानी कि अगर मैं रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करूँगी तो ये पूरी की पूरी जो रो है वो साथ में फ्लेक्स करेगी और एक्सटेंड होगी। लेकिन प्रॉक्सिमल रो के अंदर पहले स्केफॉइड वर्क करेगा, फिर जो दूसरी कार्पल बोन्स है वो वर्क करती है, तो इस वजह से ये एक फिक्स्ड यूनिट की तरह काम नहीं करती है प्रॉक्सिमल रो। अगर मैं मिड कार्पल जॉइंट के आर्टिक्यूलर सर्फेसिस की बात करूँ तो ये रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स सर्फेसिस होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इसकी यहाँ पे जो सर्फेस थी वो कॉन्वेक्स थी और फिर कॉनकेव हो गई, फिर वापस से कॉनवेक्स हो गई। तो यानी कि इनकी बार बार कॉनकेव सर्फेस आती है, फिर कॉनवेक्स सर्फेस आती है, कॉनकेव सर्फेस आती है, कॉनवेक्स सर्फेस आती है। तो इनकी जो सर्फेसेस होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, जैसे कि यहाँ पे वापस से कॉनवेक्स थी, फिर कॉनकेव हो गई, फिर वापस से कॉनवेक्स हो गई, और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो कॉनवेक्स, फिर कॉनकेव, कॉनवेक्स, यानी कि इनकी जो रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉनवेक्स सर्फेसेस होती है ये तो फिर भी मैंने डायग्राम बनाया। अगर आप रियल रिस्ट कॉम्प्लेक्स के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखोगे तब आप लोगों को और भी अच्छे से पता चलेगा कि इनकी सर्फेसेस कैसे रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉनवेक्स सर्फेसेस होती है। अब हम बात करते हैं रिस्ट कॉम्प्लेक्स के लिगामेंट्स की, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स जो इस कैप्स्यूल को, इन जॉइंट्स को और ज़्यादा रीइंफोर्स करेंगे, और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली ये दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होता है इनके लिगामेंट्स, एक होता है इंट्रिंसिक लिगामेंट और एक होता है एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स। इनका बेसिकली मतलब क्या है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है एक्सट्रिंसिक, यानी कि कोई चीज़ बाहर से आ रही है, यानी कि जो हमारा जॉइंट है, जो मिड कार्पल जॉइंट है, अगर बाहर से यानी कि रेडियस से अगर कोई लिगामेंट आ रहा है और यहाँ पे आके जॉइन हो रहा है तो उसको एक्सट्रिंसिक लिगामेंट बोलते हैं। बेसिकली
कि अगर यहाँ से कोई भी जॉइंट लिगामेंट है और वो यहाँ पे आके जॉइन हो रहा है तो उसको एक्सट्रिंसिक लिगामेंट बोलेंगे, या फिर कोई अगर मेटाकार्पल से भी आ रहा है और यहाँ पे आके जॉइन हो रहा है तो उसको भी एक्सट्रिंसिक लिगामेंट बोलेंगे। यानी कि जो हमारा जॉइंट है उससे अगर प्रॉक्सिमली या फिर डिस्टली कोई भी लिगामेंट आके इस जॉइंट के ऊपर आके जॉइन हो रहा है तो उसको हम एक्सट्रिंसिक लिगामेंट बोलते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक मतलब कुछ अंदर ही है, तो इंट्रिंसिक लिगामेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारा मिड कार्पल जॉइंट है, इसी के अंदर अगर जो लिगामेंट्स है वो आपस में जॉइन कर रहे एक दूसरे के कार्पल बोन्स को तो उनको हम इंट्रिंसिक लिगामेंट्स बोलते हैं। और इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी रेडियो कार्पल जॉइंट के अंदर भी हमने बात की थी, इन लिगामेंट्स के बारे में हमने इंटरोसियस लिगामेंट्स के बारे में बात की थी कि स्कैफोल यूनो इंटरोसियस लिगामेंट्स, तो ये सारे जो इंट्रिंसिक लिगामेंट्स हैं इनकी हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। हमने पढ़ा था स्कैफोल यूनो इंटरोसियस लिगामेंट के बारे में और ल्यूनो ट्राइक्विट्रो इंटरोसियस लिगामेंट के बारे में। रेडियो कार्पल जॉइंट के अंदर हमने ऑलरेडी इंटरोसियस लिगामेंट्स के बारे में बात कर ली थी, और ये वाले जो इंटरोसियस लिगामेंट्स है ये बेसिकली इंट्रिंसिक लिगामेंट्स है क्योंकि ये इस जॉइंट के अंदर ही है और जो बाहर से आ रहे हैं वो होते हैं एक्सट्रिंसिक। अब लिगामेंट्स के अंदर हमें दो तरह के लिगामेंट्स पढ़ने हैं, वोलर लिगामेंट और डॉर्सल लिगामेंट। अब इनके नाम से पता चल रहा है वोलर यानी कि हमारी ये वाली जो सरफेस होती है एंटीरियर, ये वोलर सरफेस होती है और ये वाली जो सरफेस होती है वो डॉर्सल सरफेस होती है। यानी कि वोलर लिगामेंट्स यानी कि जो इस सरफेस के यहाँ पर जॉइन हो रहे लिगामेंट्स, और डॉर्सल लिगामेंट्स यानी कि जो हमारी पोस्टीरियर सर्फेस है वहाँ पर जो लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको डॉर्सल लिगामेंट्स बोलेंगे। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई। अब वोलर लिगामेंट और डॉर्सल लिगामेंट के अंदर भी जो हमारे रेडियल वाली जो साइड है उधर जो लिगामेंट जो रेडियस से निकल के अगर कैपिटेट स्कैफोइड यहाँ पे आके जॉइन हो रहे हैं तो उनको बोला है रेडियो कार्पल लिगामेंट्स, क्योंकि वो रेडियस से रेडियस के ऊपर अटैच है और कार्पल के ऊपर अटैच है इसलिए उसको रेडियो कार्पल लिगामेंट्स बोले। और उसके अलावा कौन से, अल्नो कार्पल लिगामेंट्स। अल्नो यानी कि जो अल्ना के ऊपर से निकले हैं और जो कार्पल बोन्स के ऊपर आके जॉइंट हो रहे हैं, यानी कि अल्ना और कार्पल इन दोनों से जो अटैच है उनको अल्नो कार्पल बोला है, और जो रेडियस और कार्पल के ऊपर अटैच है उनको रेडियो कार्पल जॉइंट बोला है। तो वोलर लिगामेंट्स और डॉर्सल लिगामेंट्स के अंदर भी दो कैटेगरी आ रही है, रेडियो कार्पल और अल्नो कार्पल। जो कि बेसिकली इधर है वो रेडियो कार्पल और जो कि इधर लिगामेंट्स है वो है अल्नो कार्पल। जो रेडियो कार्पल है उसके अंदर बेसिकली ये चार लिगामेंट्स है। तो फर्स्ट जो लिगामेंट है वो है रेडियो स्कैफो कैपिटेट। अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि राम सेल्स कंप्यूटर, यानी कि जो राम है वो सेल करता है कंप्यूटर, तो आर से हो गया रेडियो यानी कि यहाँ से निकल रहा है, देन सेल्स यानी कि स्केफॉइड यहाँ पे भी वो आएगा लिगामेंट, और कैपिटेट यानी कि ये वाली जो बेसिकली यहाँ पे जो लिगामेंट है रेडियस स्केफॉइड और कैपिटेट को जो कवर कर रहा है वो हो गया हमारा रेडियो स्कैफो कैपिटेट, और इसको याद रखेंगे आप राम सेल्स कंप्यूटर। अब जो नेक्स्ट लिगामेंट है वो है रेडियो स्कैफो ल्यूनेट, इसको याद रखने का तरीका है राम सेल्स लैपटॉप। तो इसके अंदर क्या होगा, रेडियो यानी कि रेडियस से निकल रहा है और स्कैफोइड, और ये जो स्कैफोइड और ल्यूनेट है इन दोनों के ऊपर आके जॉइन हो रहा है, तो इसका एक जो पोर्शन है वो ल्यूनेट को जॉइन होता है और एक जो पोर्शन है वो स्कैफोइड को आके जॉइन होता है। तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का लिगामेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ल्यूनेट को जॉइन हो रहा है और एक स्कैफोइड को जॉइन हो रहा है, और ये है राम सेल्स लैपटॉप रेडियो स्कैफो ल्यूनेट। तो रेडियस और ल्यूनेट और स्कैफोइड। अब क्योंकि ये जो लिगामेंट है रेडियो स्कैफो ल्यूनेट, ये आप लोग देख सकते हो कि ये स्कैफोइड को भी सपोर्ट दे रहा है, ल्यूनेट को भी सपोर्ट दे रहा है, और इसी वजह से जो ये लिगामेंट है हमारी जो प्रॉक्सिमल रो है उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर ये लिगामेंट का डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से स्कैफोइड जो होता है वो अनस्टेबल हो सकता है, और उस वजह से अगर हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करें तो उस टाइम पर इनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है अगर ये जो लिगामेंट है वो डिसरप्ट हो जाएगा तो। अब जो नेक्स्ट लिगामेंट है वो है रेडियो ल्यूनेट, और जो रेडियो ल्यूनेट लिगामेंट है उसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, यानी कि शॉर्ट रेडियो ल्यूनेट और लॉन्ग रेडियो ल्यूनेट। तो इसको भी याद करने का ये तरीका है कि राम लैपटॉप सेल करता है, जो आपको छोटा शॉर्ट लैपटॉप भी मिल सकता है और लॉन्ग लैपटॉप भी आपको उसकी शॉप पे मिल सकता है। तो रेडियो ल्यूनेट के अंदर राम लैपटॉप, जो कि आपको शॉर्ट भी मिल सकता है लैपटॉप और आपको लॉन्ग लैपटॉप्स भी मिल सकते हैं।
तो रेडियो यूनिट ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके नाम से पता चल रहा है रेडियो, यानी कि ये रेडियस और ये ल्यूनेट के ऊपर जाके अटैच होता है। अब जैसा कि इसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग दो होते हैं लिगामेंट्स, तो शॉर्ट वाला उसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, और जो लॉन्ग वाला जो होता है वो बेसिकली कुछ इस टाइप से आता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। तो इस टाइप के रेडियो यूनिट लिगामेंट शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। अब जो हमारा लास्ट लिगामेंट है वो है रेडियो कोलेटरल लिगामेंट। तो ये जो है वो बेसिकली ऐसे प्रेजेंट होता है, जो ये हमारी रेडियस है उससे निकलता है और कापल के ऊपर जाके ऐसे ज्वाइन हो जाता है। तो यानी कि ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है, और ऐसा कि ऐसा अल्नार कोलेटरल भी लिगामेंट होता है, जो कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, जो यहाँ पे ऐसे अल्नार से निकलता है और कापल के ऊपर आके ऐसे ज्वाइन हो जाता है। तो ये कोलेटरल लिगामेंट्स तो आपने सारे जॉइंट्स के अंदर देखे होंगे, नी जॉइंट के अंदर भी होता है, हमारे एल्बो जॉइंट के अंदर भी होता है। तो कोलेटरल की जो पोजिशन होती है वो हमेशा इसी टाइप से रहती है। अब हमने रेडियो कापल लिगामेंट्स की तो बात कर ली, जो ये सारे लिगामेंट्स इस एरिया के अंदर थे। अब हम बात करते हैं अल्नो कार्पल की, जो कि बेसिकली अल्ना से ओरिजिनेट होंगे। तो सबसे पहले है अल्ना कार्पल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स, तो इसके अंदर बेसिकली हमारा आएगा TFCC ट्रायंगुलर फिब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे पहले वाली वीडियो के अंदर बात कर ली थी, जो कि बेसिकली इधर प्रेजेंट होता है। तो वो जो लिगामेंट है TFCC जो है बेसिकली इस लिगामेंट के अंदर आएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है अल्नो ल्यूनेट लिगामेंट, अल्नो ल्यूनेट, तो यानी कि अल्ना और ल्यूनेट जो है बेसिकली इससे वो अटैच होगा। तो ये लिगामेंट कुछ अल्ना और ल्यूनेट से अटैच होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है अल्नार कोलेटरल लिगामेंट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बता दिया था। तो जो अल्ना और कार्पल बोन्स के जाके अटैच होगा, तो ये हो गए कोलेटरल लिगामेंट्स। तो अब ये तो बात हो गई हमारे वोलर लिगामेंट्स की। वोलर लिगामेंट्स जो कि हमारे इंटीरियर सर्फेसिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, वोलर लिगामेंट भी बेसिकली डिवाइडेड थे हमारे रेडियो कार्पल और अल्नो कार्पल के अंदर। तो ये हमारी सारी बात हो गई वोलर लिगामेंट्स के बारे में। और जब भी हम रिस्ट एक्सटेंशन करेंगे, तो जो भी हमारे वोलर लिगामेंट्स होंगे, जो भी ये सारे एक्सट्रेंसिक लिगामेंट्स है, अभी हम इंट्रेंसिक की भी बात करेंगे, तो जब भी हम रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो ये सारे लिगामेंट्स स्ट्रेच हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है और अगर हम रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट करेंगे तो वो चीज़ एक्सटेंड स्ट्रेच हो जाएगी। तो इसी वजह से जब भी हम रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो ये वोलर लिगामेंट्स है तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दो इंट्रिंसिक लिगामेंट्स की बात की थी, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में बता दिया था, जो कि था स्कैफोल्यूनेट इंटरोसियस लिगामेंट और ल्यूनो ट्राइक्वेट्रल इंटरोसियस लिगामेंट। अब ये जो थे वो इंट्रिंसिक लिगामेंट्स थे, और ये वाले जो सारे लिगामेंट्स हैं वो बेसिकली एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स हैं। तो अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये जो इंट्रिंसिक लिगामेंट्स है ये दो कार्पल को आपस में पकड़ के बैठे, लेकिन सपोज करो इसके अंदर अगर कोई इंजरी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, अब जो स्कैफोइड है वो अपनी पोजीशन पे नहीं रह पाएगा, और जब भी हम रिस्ट मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, उधर जो इनस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम स्कैफोइड को, काफ़ी सारे ऐसे लिगामेंट्स हैं जो कि बेसिकली स्कैफोइड को अपनी पोजीशन के ऊपर पकड़ के बैठे, लेकिन इतना क्यों ज़रूरी है स्कैफोइड की पोजीशन को होल्ड करके रखना? वैसे तो मैं ये चीज़ आपको रिस्ट फंक्शंस के अंदर भी बताऊंगी कि जो स्कैफोइड होता है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म करता है प्रॉक्सिमल रो के अंदर। तो हमारी जो ये प्रॉक्सिमल रो है उसके अंदर जो स्कैफोइड है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म करता है रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अंदर। तो इसी वजह से काफ़ी सारे जो लिगामेंट्स है जो स्कैफोइड बोन को बेसिकली पकड़ के बैठे हैं, और अगर वो लिगामेंट्स के अंदर इंजरी हो जाएगी तो फिर स्कैफोइड की जो इनस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और फिर रिस्ट प्रॉब्लम्स आएगी। वैसे कि वैसे जो हमारा ल्यूनो ट्राइक्वेट्रल इंटरोसियस लिगामेंट है इसकी भी यही इंपॉर्टेंस है। बेसिकली लिगामेंट ल्यूनेट और ट्राइक्वेट्रल को ऐसे पकड़ के बैठा है, और अगर इसके अंदर इंजरी हो जाएगी तो हमारा जो ल्यूनेट बोन है उसकी भी इनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी चीज इन इंट्रिंसिक लिगामेंट्स के बारे में कि ये जो इंट्रिंसिक लिगामेंट्स है बेसिकली इनकी खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। ये जो हमारे जो कैप्सूल की जो साइनोवियल
साइनोवियल लाइनिंग होती है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल लाइनिंग होते हैं, उसी से अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं। लेकिन जो हमारे एक्सट्रेंसिक लिगामेंट्स हैं उनकी अपनी खुद की ब्लड सप्लाई होती है, और इसी वजह से जब भी कोई लोड आया अगर रिस्ट के ऊपर, जैसे कि कोई भी मैंने जर्की मूवमेंट किया या फिर कुछ भी किया, तो सबसे पहले वो जो लोड है वो हमारे एक्सट्रेंसिक लिगामेंट्स लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उनको पता है कि जो सबसे पहले जो लोड लेगा वो हमारा एक्सट्रेंसिक लिगामेंट्स लेगा। तो इस वजह से इनकी तो अपनी खुद की ब्लड सप्लाई है कि अगर ये इंजर्ड हो भी गए तो इनकी अच्छी खासी खुद की ब्लड सप्लाई है, तो वापस से हील हो जाएंगे। लेकिन जो इंट्रेंसिक लिगामेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट लोड नहीं लेते, और इसी वजह से इनकी जो इंजरी होने की चांसेस भी कम होती है। इसलिए हमारी बॉडी ने इतना वेस्ट नहीं किया ब्लड सप्लाई। इंट्रेंसिक लिगामेंट्स है उनकी खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो सिर्फ डिराइव करते हैं साइनोवियल फ्लूइड से। लेकिन अगर ये लिगामेंट्स इंजर्ड हो गए तो इनकी हील होने की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है और डीजनरेटिव चांसेस उस टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस वजह से इनकी खुद की जो ब्लड सप्लाई नहीं होती, और जो एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स है उनकी खुद की ब्लड सप्लाई होती है, और वो सबसे पहले वो लोड लेते हैं, इंट्रिंसिक लिगामेंट्स पे बाद में लोड आता है। अब हमने वोलर लिगामेंट्स की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं डॉर्सल लिगामेंट्स के बारे में। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इसके अंदर सिर्फ दो ही लिगामेंट है। तो डॉर्सल लिगामेंट के अंदर, यानी कि जो हमारी डॉर्सल सर्फेस के अंदर जो लिगामेंट्स है, तो बेसिकली जो दो लिगामेंट्स है वो है डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट और डॉर्सल इंटर कार्पल लिगामेंट। फर्स्ट है डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। तो इसके नाम से पता चल रहा है, रेडियो यानी कि रेडियस से वो निकलेगा और कोई कार्पल बोन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। तो रेडियस और जो ये हमारी ट्रैक पेट्रियम है बेसिकली, उसके ऊपर जाके ये अटैच हो जाता है और ये ओब्लीकली रन करता है। अगर आप इसकी देखो तो ये ओब्लीक डायरेक्शन के अंदर रन करता है, और बीच में हमारी ल्यूनेट बोन भी आती है, तो उसके कुछ एक्सटेंशंस ल्यूनेट बोन के ऊपर भी जाते हैं और ये बेसिकली एक ओब्लीक शेप बनाता है। अब इसका फंक्शन क्या है इस लेगामेंट का, तो आप देख सकते हो कि जो रेडियस है वो बेसिकली ऐसे ओब्लीक शेप के अंदर है, वो एकदम हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर नहीं है, इसकी जो सरफेस होती है स्लाइटली ओब्लीक होती है। इसी वजह से हमारी जो प्रॉक्सिमल कार्पल की जो रो है वो ऐसा हो सकता है कि वो स्लाइड कर जाए इस ओब्लीक सरफेस के ऊपर, कोई अगर चीज़ होगी तो वो स्लाइड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो ये रेडियो कार्पल लिगामेंट है, डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, तो ये इनको पकड़ के रखता है ताकि ये जो स्लाइड ना कर जाए हमारी जो प्रॉक्सिमल कार्पल की जो रो है। जो नेक्स्ट लिगामेंट है वो है डॉर्सल इंटर कार्पल लिगामेंट। इंटर कार्पल नाम से पता चल रहा है, यानी कि कार्पल बोन्स के ही बीच में से वो जो लिगामेंट्स है वो अटैच होगा, यानी कि ये इंट्रिंसिक लिगामेंट है एक। तो ये बेसिकली ट्राइक्वेट्रल के ऊपर अटैच होता है और फिर ल्यूनेट के ऊपर से होके, स्कैफॉइड के ऊपर से होके और ट्रेपेजियम के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप से चलता है। तो आप देख सकते हो ये दोनों बेसिकली जो लिगामेंट्स है वो एक वी शेप बना रहे हैं। तो ये जो दोनों डॉर्सल लिगामेंट्स है ये बेसिकली वी शेप बनाते हैं, जिसके अंदर ये एक्सट्रिंसिक हो गया, ये इंट्रिंसिक लिगामेंट हो गया, और ये जो बेसिकली डॉर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट भी है वो स्कैफॉइड की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखने के लिए हेल्पफुल होता है। और जो हमारे डॉर्सल जो लिगामेंट्स होते हैं, जब भी हम रिस्ट फ्लेक्शन मूवमेंट फॉर्म करते हैं तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं वो टॉट हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब ये जो लिगामेंट्स है थोड़े इजी लग रहे होंगे याद रखना और समझना। तो ऐसे ही आप लोगों मेरी बायोमैकेनिक्स की सीरीज़ के ऊपर ऐसे ही बने रहिए। अब धीरे धीरे करके हम सारे जो जॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करना, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोगों के लिए अब जो लिगामेंट्स है वो पढ़ना और समझना ईजी हो या नहीं।